नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगी बहुत ही सुंदर एक ऐसे पौधे के बारे में जो इंडोर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, जिसका नाम है कलांचू। बहुत ही सुंदर पौधा है ये, आप सभी इसके बारे में जानते भी होंगे। इंडोर फूल देने वाला बहुत ही सुंदर पौधा है और हार्डी प्लांट है। एक बार आप लाइए, बहुत दिनों तक चलता रहेगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इसमें रंग आते हैं। मेरे पास दो हैं, गुलाबी और लाल, और बहुत अच्छे से इन पर फ्लावरिंग हो रही है। तो इस समय मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये। स्प्रिंग का टाइम चल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इन पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग है। ये ज़्यादातर स्प्रिंग और विंटर में बहुत अच्छे फूल देता है, लेकिन ये गर्मियों में भी अगर आप थोड़ी सी ट्रिक लगाएं तो गर्मियों में भी इस पर आप फूल पा सकते हैं। वो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप गर्मियों में इस पर फूल पा सकते हैं। ये ऐसा पौधा है कि सालों साल तो रहेगा ही आपके गार्डन में। अगर इस पर फूल भी नहीं आते हैं तो इसकी पत्तियाँ भी बहुत ही सुंदर होती हैं, जो बहुत ही ग्रीनरी देती हैं, और जैसे ही फिर से विंटर आती हैं तो फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ छोटी छोटी सी अगर हम बातों का ध्यान रखें तो हम गर्मियों में भी इससे फूल पा सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं इस पर कितनी अच्छी बर्ड्स आई हुई हैं, बहुत अच्छे फूल आए हुए हैं। छोटे छोटे इस पर गुच्छों में फूल खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और आप इसको बाथरूम में रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं। इंडोर प्लांट है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, और अलग अलग कलर्स के आप लेकर लगाइए अंदर, बहुत सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों, गर्मियों में इससे अगर आपको फूल पाने हैं तो आपको इसको ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पर इसको बहुत तेज़ लाइट ना मिले, थोड़ी डार्क जगह पर, और सुबह को इसको 1 से 2 घंटे धूप भी देनी होगी। यानी कि जब सूरज निकले सुबह सुबह की, इसको 1-2 घंटे की धूप में रख दीजिए। उसके बाद आप इसको उठाकर अपने इंडोर आप ऐसी जगह पर रख लीजिए जहाँ पर ज़्यादा तेज, बहुत तेज़ सूरज की चमक ना आती हो, तो इसमें बर्ड्स बननी शुरू हो जाएंगी और फूल भी आने लगेंगे। महीने में एक बार इसमें आप फर्टिलाइज़र दीजिए। फर्टिलाइज़र में आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप चाहें तो मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। कटिंग से बहुत आसानी से चल जाता है इसकी, इस तरह की जो स्टिक होती है आप इसको कट करके लगा दें तो इससे भी एक प्लांट बन जाता है। और अगर आप इसकी पत्ती को भी लगा दें तोड़कर, तो पत्ती में भी इसके रूट्स बन जाती हैं और पत्ती से भी नया प्लांट्स निकल आता है। तो कटिंग से लगाना तो इसको बहुत ही आसान है, और इस तरह से इसमें इस तरह से गुच्छों में फूल आते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये पौधा। छोटे छोटे फूल जब एक साथ पूरे खिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगता है, और कलर्स अलग अलग रंग बिरंगे रंग ले लो इसके तो कितने सुंदर लगते हैं। और बहुत ज़्यादा इसको केयर की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा इसको पानी चाहिए। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। इसको बहुत कम पानी चाहिए और वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं इसको। मिट्टी और कंपोस्ट मिला लें मिट्टी में, अगर आपकी यहाँ की मिट्टी जो थोड़ा हार्ड है तो आप उसमें थोड़ा नदी वाला रेत मिला लें, और तो नदी वाला रेत और मिट्टी मिक्स करके आप थोड़ी सॉफ्ट और एकदम वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं। उसमें आप 30-40% लगभग 40% आप उसमें कंपोस्ट मिला लें या फिर गोबर की खाद, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक खाद हो, और ऐसी मिट्टी बनाकर आप उसमें इसको लगाएं। दोस्तों, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्रूट प्लांट हैं, आप उसमें अगर 40-50% कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी में जब लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। बस आप इतना याद रखिए और मिट्टी वेल ड्रेन बनाएं। आप वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए आप सैंड का यूज़ कर सकते हैं, कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, और जो भी आपको सही लगे। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा रुके ना, तो ये मिट्टी सभी पौधों के लिए अच्छी रहती है। और पानी आप इसमें कम दीजिए, और बहुत ज़्यादा इसको धूप की ज़रूरत है ही नहीं। सुबह की 1 से 2 घंटे बस धूप मिल जाए, उसके बाद आप इसको बिल्कुल छाया में रख दीजिए। बहुत अच्छे से इस पर फूल आते हैं, और गर्मियों में भी इस पर फूल आते रहते हैं। थोड़ी कम मात्रा में आएंगे लेकिन आते रहेंगे तो सुंदर लगेगा पौधा। बस आपको करना यही है कि इसको सुबह की 1-2 घंटे धूप देने के बाद आप इसको अंदर रख लीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज लाइट ना आती हो। तो ये ऐसा पौधा है जिसको ना ही ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ना ही ज़्यादा पानी, और फूल इतने अच्छे आते हैं कि बस पूछिए मत। और कटिंग से एक ही पौधे से आप बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है। थोड़ा बहुत बीच बीच में इस पर छिड़काव कर दें पानी का, ताकि मॉइस्चर बना रहे, चारों तरफ नमी रहे, उससे भी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है।
तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है। एक बार लाने के बाद आपका काफ़ी दिन तक ये रहेगा और आप कटिंग से भी एक से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। और स्प्रिंग और विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, और ऐसा नहीं है कि गर्मी में नहीं होती। गर्मी में भी अगर आप थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करें तो इस पर फूल आते रहेंगे, और अगर फूल नहीं भी आते हैं तो भी गर्मियों में ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। इंडोर रखिए इसको धूप से बचाकर, सुबह की 1 घंटा 1.5 घंटा धूप मिल जाए तो बहुत है इतनी, बस उसके बाद उठा के इसको ऐसी जगह पर रख लीजिए जहाँ पर धूप ना आए और बहुत तेज़ लाइट भी ना आए। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अच्छी गार्डनिंग की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी गार्डनिंग।